बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। मैं हूं मोहम्मद नुमान और आप हमारा चैनल देख रहे हैं डिस सॉल्यूशन। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं एक रिसीवर लेके आया हूं बिल्कुल सस्ते प्राइस में और फार एवर सर्वर वाला रिसीवर है, ठीक है, मिनी। तो ये न्यू सेट का मॉडल है और आप इसके फ़ीचर वगैरह ऊपर देख लें। ये मैं आपको नज़दीक करके चेक करवा देता हूँ। ये आप देख लें, यूट्यूब, वाईफाई और ये PVR। तो ये और एक कौन सा इसमें ऑप्शन है, बाकी USB ब्लाइंड स्कैन, HDTV, DVB और मल्टी स्क्रीन। तो ये इसमें कुछ फीचर्स हैं और ये आप देख ले, डिजिटल सेटेलाइट रिसीवर फुल HD है ये वाला। तो इस तरफ से आपको थोड़े मैं इसके ये आप समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, ये आप खुद इसको नोट कर लेना। बाकी अभी इस कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, ठीक है, कुछ ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अभी हमने करनी है इसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे नीचे रख लेते हैं और ये रिसीवर है न्यू सेट का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उठा लेते हैं, रिसीवर को इसको रख लेते हैं साइड पे, ठीक है। और उससे उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास आ जाता है अडाप्टर करंट के लिए, तो इसको भी आप नोट कर लें कि कितने एम्पेयर का अडाप्टर है। तो ये भी इसके साथ आता है, ठीक हो गया। तो इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है एक छोटी सी मिनी सी HDMI। तो ये HDMI छोटी सी आप LCD के पीछे लगा के इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी रख देते हैं साइड पे। उसके बाद हमारा आ जाता है ये रिमोट कंट्रोल सेंसर। तो ये इसके साथ मैनुअल लगाना पड़ेगा आपको। इसके अंदर भी मेरे ख्याल में यहाँ पे सेंसर होता है और इन्होंने अजाफी भी दिया हुआ है कि LCD के पीछे रिसीवर को करके और आप इसको मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर सेल है, ठीक है, और दीवार पर लगा के आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं रिसीवर को। और ये इसका एक छोटा सा रिमोट है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल। तो ये भी ठीक ही है, इतना हैवी नहीं है, बाकी ठीक है, गुजारे लाइक। तो उसके बाद अभी आ जाते हैं हम अपने रिसीवर के ऊपर और ये अभी आप चेक कर लें, न्यू सेट का मॉडल है NS20+। तो ये रिसीवर है और आपको मैं इसके कुछ फीचर जो है इसके अंदर वो मैं चेक करवा देता हूँ। तो ये आप नोट कर ले, सबसे पहले आ गया ट्यूनर और IREX, यहाँ पे इसको आपने सेंसर लगाना है, ठीक है। ये वाला जो सेंसर है ये इसके अंदर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी DVOUT, समझ ले कि HDMI, और ये TV AV है। अगर आप AV लगाना चाहते हैं तो वह भी लगा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, AV के बाद आ जाता है USB। आप कोई सी भी आपके पास USB है, उसमें कोई डेटा वगैरह है तो आप यहाँ पे लगा के आप डेटा वगैरह चेक कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है DC 12 वोल्ट, जहाँ पे आपने इसको करंट देना है। तो ये जो अडाप्टर है ना, ये वाला, तो ये अडाप्टर है जो, तो यहाँ पे ये जो इसकी नाब है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। और बाकी इसके जो फीचर हैं इस तरफ मेरे ख्याल में यहाँ पर इसको ये RS232 है, यहाँ पे लगा के आप केबल इसको, इसका सॉफ्टवेयर भी आप रिबूट से उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मिनी रिसीवर है, काफ़ी अच्छा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसका मेन्यू वगैरह मैं चेक करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे ख्याल में 4-5 मिनट की हो जाएगी, तो लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी इसके जो फीचर्स हैं वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए और इसके लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।